कभी अंबानी या टाटा इनके इंटरव्यूज देखे हैं आपने? ये लोग कितना ग्राउंडेड होते हैं इतना कुछ अचीव करने के बाद भी, मतलब इतने पोलाइट होते हैं, इतने हम्बल होते हैं ये लोग। वरना यार इनके पास किस चीज की कमी है, लेकिन कभी भी शो ऑफ नहीं करते हैं ये लोग। वरना हमारे दोस्त हैं जो कॉलेज वगैरह में, जो मैंने देखे हैं, आईब्रोज वगैरह बनवा रहे हैं, फेशियल वगैरह करवा रहे हैं, कईयों ने तो यार बरगंडी कलर तक करवाया होता बालों में, जबकि लाइफ में उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया, सिर्फ शो ऑफ है। यारे मेरे पास तो ना ये है, मेरे पास वो है, जबकि परिवार उनके कर्जों में डूबे होते हैं। एक जो सक्सेसफुल आदमी है ना, अगर उसकी औकात ऑडी की होती है ना, वो फिर भी होंडा सिटी लेगा। वरना जो हम आम आदमी होते हैं, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो कि स्ट्रगलर्स होते हैं, अगर हमारी औकात ऑल्टो और वैगनार की हो जाते हैं तो हम लोग यार चलो ईएमआई पे ले लेते हैं, होंडा सिटी निकलवा लेंगे, क्योंकि हमें दिखावा करना है। उसी टूथपेस्ट को निचोड़े जाएंगे जब तक वो दम ना तोड़ दे, कहते भैया प्लीज अब तो नया ले लो। और शादी की बात आई तो इतना दिखावा कर देंगे सिर्फ उस एक दिन के लिए कि परिवार ही 4 से 5 साल पीछे चले जाते, मतलब कर्जे में डूबे जाएंगे, पर दिखावा कम नहीं करेंगे। अगर हम लोग शहर में रह रहे हैं तो अपने गांव की भाषा बोलेंगे ये दिखाने के लिए, देखो हम लोग जमीन से जुड़े हैं, पर जब गांव में जाएंगे ना अपने, तो वहां पर इंग्लिश वगैरह झाड़ना शुरू कर देंगे फेक एक्सेंट में, कि ये वो या यो यो यो, यो करके। सिर्फ दिखावे में हम लोग निकल जाते हैं, हम इंडियंस की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये मिडिल क्लास वाले होते हैं, स्ट्रगलर्स होते हैं। देखो यार ऐसा होता है ना कि हमारे मन में ये सब चीजें इसलिए आती है क्योंकि हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन मतलब हमें ना हर जगह आगे रहना है, पड़ोस में हमें अपने आगे रहना है, रिश्तेदारी में हमें आगे रहना है, दोस्त हो दुश्मन हो ऑफिस हो कॉलेज हो, हमें हर जगह आगे रहना है, नंबर वन। कभी कभी ना यार लाइफ में नंबर 2 या 3 पर होना भी जरूरी है, ताकि हम लोग उस नंबर 1 के लिए मेहनत करते रहें। मैं ना आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, समझने की कोशिश करना कि करियर, प्यार और वक्त, ये तीनों ना एक बेस्ट फ्रेंड की तरह होते हैं, मतलब इन तीनों का ना बेस्ट फ्रेंड का एक ग्रुप समझ लो। अगर इन तीनों में से ना कोई एक भी नाराज हुआ और तीनों की दोस्ती टूटी ना, तो लाइफ का बैलेंस बिल्कुल बिगड़ जाएगा। आपको ऐसे लेकर चलना है कि तीनों की दोस्ती कायम रहे, और तभी आप लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे। क्योंकि जो 20 से 24 साल की उम्र होती है ना, उसमें यार ये करियर का प्रेशर रहता है, ठीक है, लव लाइफ अगर बिगड़ जाए, सोसाइटी का अलग प्रेशर रहता है, आपको ना हर चीज बैलेंस करके चलनी पड़ती है। बहुत सी बार टाइम ऐसा आएगा कि यार ऐसा होगा कि डीमोटिवेशन आएगी, और देखो यार किसी चीज के लिए ना मोटिवेट होने के लिए आपकी पूरी उम्र निकल जाती है, पर डीमोटिवेट होने के लिए ना सिर्फ एक पल काफी होता है। कई बार ऐसा होगा यार समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आंखों में यार बिल्कुल पानी आ जाता है, लेकिन ना यार आपको अपनी आंखों के किनारों को इतना मजबूत करना है कि आपकी आंखों में आंसू रहे पर वो बाहर ना निकले। हौसलों को ना इतना मजबूत करना है कि वो टूटे नहीं। लाइफ में ना यार सबसे जो आसान चीज होती है वो होती है पढ़ाई। देखो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, होता क्या है 3 साल 4 साल 5 साल आप मेहनत कर रहे हो, पर अगर एक बार आप ऑफिसर बन गए ना, एक बार आपने एग्जाम क्रैक कर लिया, तो हर जगह ना सिर्फ आपकी पूछ होगी। वो सिर्फ 3 4 5 साल का स्ट्रगल है, फिर पूरी जिंदगी यही फलाने का लड़का देखो आईएएस ऑफिसर है, फलाने के लड़के ने इनकम टैक्स का एग्जाम क्लियर कर रखा है, पूरी जिंदगी वाहवाही। वरना यार आप ये इन आर्टिस्ट वगैरह को ले लो, अगर कोई शायर है उसे पूरी जिंदगी शेर लिखने हैं, कोई सिंगर है उसे पूरी जिंदगी गाने गाने हैं। अगर किसी शायर ने 6 महीने शेर अच्छे ना लिखे, उसको मिलेंगे ही नहीं यार मुशायरे वगैरह। अगर किसी सिंगर ने 6 महीने अच्छे गाने नहीं निकाले, उसने अच्छे गाने नहीं गाए, उसको फिर आगे गाने मिलने बंद हो जाएंगे। तो इसलिए ना मेहनत करो, अगर आप किसी चीज की तैयारी करो उसके लिए दिल से लगे रहो। देखो लाइफ में ना आपको नीचे गिराने वाले बहुत लोग मिलेंगे, पल पल पर आपको नीचे गिराएंगे, जिन्हें हम हेटर्स बोलते हैं। अच्छा इसके पीछे का भी ना मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूं। क्या हुआ ना, मेरी गली में ना कुत्ता भौंकता था,
तो मैंने क्या हुआ, परेशान होकर उसको पत्थर मार दिया यार। वो दूसरे दिन फिर आ गया, मैंने फिर उसे पत्थर मारा। तीसरे दिन वो फिर आ गया, मैंने फिर उसे पत्थर मारा। यार वो चौथे दिन फिर आ गया, मैंने कहा बड़ा ढीठ है। मैंने डिसाइड करा, मैंने कहा मैं अब इसे ना तवज्जो दूंगा ही नहीं। वो भोंकता रहा, फिर थक के चला गया। पांचवें दिन फिर आया, फिर वो भोंका, फिर चला गया। छठे दिन वो फिर आया, फिर भोंका और फिर चला गया। उसने ना फिर आना ही छोड़ दिया। और अब सुना है वो किसी और मोहल्ले में जाके भोंकता है, लेकिन उस मोहल्ले वाले उसे रोज पत्थर मार रहे हैं, रोज भगा रहे हैं, वो फिर आ जाता है। कहने का मतलब समझे, इग्नोर करना है। जरूरी नहीं है ना कि हर बहस जीतनी है, तो इसलिए इग्नोर करना है। बस छोटी सी चीजें ये ध्यान रखनी है कि पोलाइट रहना है, हम्बल रहना है बस। क्योंकि मरोड़ लेकर जो आप अपने अंदर चल रहे हो ना, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे उस मरोड़ में से म शब्द को बाहर आने में, और आप फिर रोड पर आ जाओगे। तो मेहनत करते रहो, और लाइफ में यार चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आए, बस एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये है, मुस्कुराना मत भूलना। शुक्रिया।